आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्टरेशन के बारे में जानेंगे कि हम लोग ट्रांसफार्मर की ऑयल को फिल्टरेशन कब, क्यों और कैसे करते हैं, उसे कितने डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, उसके बाद ही ट्रांसफार्मर में ऑयल डालते हैं और उसी जुड़ी कुछ खास बातें। ट्रांसफार्मर ऑयल का फिल्टरेशन कब करते हैं? ट्रांसफार्मर की ऑयल को टाइम टू टाइम हम लोग फिल्टरेशन करते हैं। जब हमारा ट्रांसफार्मर एक लंबे समय तक चालू रहता है तब उस ट्रांसफार्मर की ऑयल का लेवल कम हो जाता है और साथ ही साथ ऑयल की इंसुलेशन खराब हो जाती है। ट्रांसफार्मर की ऑयल की कंडीशन अच्छी है या ख़राब है इसका पता जो है हम लोग ट्रांसफार्मर की ऑयल का सैंपल लेके उसका BDV टेस्ट करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट करते हैं। अगर उस टेस्ट से डायलैक्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू अगर 45 KV से ज़्यादा आता है, कहने का मतलब ऑयल की कंडीशन अच्छी है। अगर 65 KV से ज़्यादा आता है, कहने का मतलब ऑयल की कंडीशन बहुत अच्छी है, तो उस समय जो हम लोग ऑयल का फिल्ट्रेशन नहीं करते। नॉर्मली मिनिमम डायलैक्टिक स्ट्रेंथ की वैल्यू 35 KV अच्छी मानी जाती है, बट जैसे ही 45 KV या 40 KV से नीचे आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, ऑयल का फिल्टरेशन करते हैं, उसके बाद ही हम लोग ट्रांसफार्मर में ऑयल डालते हैं। ट्रांसफार्मर की ऑयल का फिल्टरेशन क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? जैसा कि आपको पता है, ट्रांसफार्मर की ऑयल ट्रांसफार्मर के लिए एक बेस्ट इंसुलेशन के तरह काम करता है। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जो खाली जगह होता है, उस खाली जगह में हम लोग एक अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हैं, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, जो कि उस खाली जगह को अच्छी तरीके से भर देता है। ट्रांसफार्मर की ऑयल में बहुत सारे ऐसे चीज़ मौजूद हो सकते हैं जो कि ट्रांसफार्मर की ऑयल का इंसुलेशन ख़राब कर दें। अगर हम ट्रांसफार्मर की ऑयल का फिल्टरेशन करते हैं तो उससे होता क्या है, जो हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में जो भी मॉइस्चर नमी कंटेंट मौजूद होंगे उसे हम लोग इस फिल्टरेशन से आसानी से बाहर निकाल देते हैं। जो भी उस ऑयल के अंदर डिजॉल्व गैसेज हो या एसिडिटी या स्लज या अदर भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ हो, उसे भी हम लोग आसानी से हटा सकते हैं इस फिल्टरेशन से। ओवरऑल कहने का मतलब जब हम ऑयल का फिल्टरेशन करेंगे तो उससे हमारी ऑयल की डायलैक्टिक स्ट्रेंथ जो होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। उससे हमारी ट्रांसफार्मर की जो लाइफ होगी वो बढ़ जाएगी, ट्रांसफार्मर का ब्रेक डाउन का जो खतरा होगा वो भी कम हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की ऑयल का फिल्टरेशन कैसे करते हैं? ट्रांसफार्मर की ऑयल को फिल्टर करने के लिए एक ऑयल फिल्टरेशन मशीन आती है, जिसके द्वारा हम लोग ऑयल का शुद्धिकरण करते हैं। लगभग आपको 250 LPH से 24,000 LPH, मतलब लीटर पर आवर तक ये शुद्धिकरण कर सकती है। ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्टरेशन मशीन के द्वारा मेजर 3 स्टेप को फॉलो करते हुए ऑयल का शुद्धिकरण करता है। पहला है हीटिंग, दूसरा है फिल्टरेशन, तीसरा है डीगैसिफिकेशन। तो चलिए अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कौन सा पार्ट किस चीज़ का शुद्धिकरण करता है। इस ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्टरेशन मशीन में आपको 2 वेल्व दिखेंगे, एक है आपका इनलेट वेल्व और दूसरा है हमारा आउटलेट वेल्व। जो हमारा इनलेट वेल्व होगा उसके हेल्प से हम लोग ऑयल को सक करेंगे, खींचेंगे, जिस ऑयल को हमें फिल्टर करना है। ऑयल को सक करने के लिए, खींचने के लिए एक इनलेट पंप लगा होता है। यह ऑयल सबसे पहले हीटिंग चैम्बर में जाएगी। इस ऑयल को एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म करना होता है, जनरली हम लोग 65 डिग्री सेल्सियस तक लेके चलते हैं। इस हीटिंग चैम्बर में ऑयल गर्म होते ही ऑयल में मौजूद मॉइस्चर और गैस पार्टिकल जो है वो अलग होने लगेंगे, ताकि इस मॉइस्चर और गैस पार्टिकल्स को हम डीगैसिंग चैम्बर में भेज सकें। हीटिंग चैम्बर के पास एक टेम्परेचर गेज लगा होता है, जो कि हमारा टेम्परेचर को सेंस करता है। ऑयल गर्म होने के बाद जो है हमारा फिल्ट्रेशन सिस्टम वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं इस फिल्ट्रेशन सिस्टम में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। फिल्ट्रेशन सिस्टम में आपका एक फिल्टर प्रेस लगा होता है, जिसका मुख्य कार्य तेल में मौजूद स्लज पार्टिकल्स को रिमूव करना होता है, हटाना होता है। 50 माइक्रोन से बड़ी साइज वाली पार्टिकल्स को रिमूव कर सकती है, हटा सकती है। एक आपका होता है सेंट्रीफ्यूगिंग फिल्टर्स, जो कि आपका 10 माइक्रोन से बड़ी साइज़ वाली पार्टिकल्स को भी रिमूव कर सकती है। अगर आपको इससे और भी डेप्थ में अगर फिल्टर करना है तो वो आपको फिल्टर कैंडल्स लगे होंगे, जो कि आपको जो है अप टू 0.5 माइक्रोन्स वाली पार्टिकल्स को, मतलब एक डेप्थ फिल्टर कर सकती है।
जो हमारी हाई वैक्यूम ट्रांसफार्मर ऑयल फिल्टरेशन मशीन होती है, उसमें आपका आयोनिक रिएक्शन कॉलम्स लगे होते हैं, जिसका मुख्य कार्य होता है ऑयल में मौजूद एसिडिटी को कम करना। अब जो है हमारा जो हमारा तीसरा स्टेप है ऑयल फिल्ट्रेशन मशीन का, मतलब जो फाइनल और लास्ट वाली जो स्टेप होती है वो होती है डीहाइड्रेशन एंड डीगैसिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। तो इस स्टेप में, इस चैम्बर में हमारा होता है क्या, जो हमारी डिजॉल्व गैसेज होते हैं, जो हमारी मॉइस्चर होती है, वो इस चैम्बर में जो है इसको अलग कर दिया जाता है, इसे आउटलेट से बाहर निकाल दिया जाता है। इस चैम्बर के अंदर जो है हमारा कॉपर या एल्युमिनियम की बनी हुई रेसिंग रिंग्स लगी होती है, मौजूद होती है। इस चैम्बर में एक साइड ग्लास लगी होती है और साथ ही साथ एक इल्यूमिनेटिंग लैंप्स लगे होते हैं। इस ग्लास के हेल्प से हम लोग इस चैम्बर के अंदर हो रही एक्टिविटी को आसानी से देख सकते हैं। डी गैसिंग चैम्बर के पास जो है हमारा एक वैक्यूम पंप लगे होते हैं, जो कि क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता है और जो है डी गैसिंग चैम्बर में जो गैस मौजूद होते हैं उसे खींचता है। और जो है हमारा एक डिस्चार्ज पंप लगे होते हैं, जिसका काम होता है डी गैसिंग चैम्बर से जो हमारा फिल्टर्ड ऑयल हो चुका है उसे सक करना, खींचना। उसके बाद जो है हम इस फिल्टर ऑयल को आउटलेट वेल्व के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।